आदित्य पंचोली ने कंगना रनौत के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करी है। कंगना के वकील ने उनके खिलाफ रेप केस डालने की धमकी दी है और जिस तरीके से रंगोली उनके बारे में बात करती है, इसकी वजह से आदित्य पंचोली ने काउंटर एफआईआर रंगोली पर भी करी है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि कंगना का पास जो है वो उनका पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। जिस तरीके से ऋतिक रोशन और कंगना रनौत की फाइट चल रही है, कैट फाइट चल रही है, दोनों के बीच में इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही हैं, वहीं पर ही अब आदित्य पंचोली ने भी उनके ऊपर काउंटर मार दिया है। आदित्य पंचोली ने कंगना रनौत के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करी है, जिस एफआईआर में उन्होंने लिखवाया है कि कंगना के वकील ने उनके खिलाफ रेप केस डालने की धमकी दी है। दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि काफी साल पहले आदित्य पंचोली और कंगना रनौत एक रिलेशनशिप में थे। इस रिलेशनशिप के दौरान कंगना ने कहा कि मतलब बहुत सारी बातें कही उन्होंने, जब उनका ब्रेकअप हो गया बहुत कंट्रोवर्सी हुई, बहुत विवाद हुए और जिस तरीके से विवाद हुए थे वो भी कम नहीं थे, क्योंकि उन्होंने आदित्य पे ये इल्ज़ाम लगाए थे कि वो उनके साथ में शारीरिक हिंसा करते हैं, उनको मारपीट करते हैं और ये सब उन्होंने उनकी वाइफ को भी बताया था, लेकिन उनकी वाइफ ने उनकी मदद नहीं करी। और इन सब पे जब आदित्य पंचोली से जवाब मांगा गया था तब उन्होंने कहा था कि ये सब झूठ है और जिस तरीके से रंगोली उनके बारे में बात करती है, इसकी वजह से आदित्य पंचोली ने काउंटर एफआईआर रंगोली पर भी करी है। दोस्तों, जिस तरीके की अब कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही हैं, अब हर कोई कंगना के ऊपर उंगलियां उठा रहा है, पहले ऋतिक रोशन और अब बाद में आदित्य पंचोली। इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है, जो भी आप कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन आपका है, तो जल्दी जल्दी कमेंट पे मुझे बता दीजिए और ऐसे ही न्यूज और अपडेट्स मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तो बने रहिए हमारे साथ द वर्ल्ड न्यूज में।